जनपद फतेहपुर तेजी से सह फसली कृषि और उन्नतशील कृषि में आगे बढ़ रहा है। जनपद फतेहपुर के विभिन्न विकास खंडों में किसान आधुनिक खेती करके अपने आय बढ़ा रहे हैं। जनपद फतेहपुर के खजुहा ब्लॉक के किसान सह फसली कृषि कर अपनी आय दुगनी कर रहे हैं। किसान अपने खेतों में मल्चिंग का प्रयोग कर टमाटर शिमला मिर्च की सह फसली खेती कर रहे। सह फसली कृषि के बारे में अपना अनुभव साझा करते हुए किसान निषाद हुसैन ने बताया कि सह फसली कृषि करने से सीमित समय में दोहरा मुनाफा मिल जाता है, साथ ही हमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। 10 एकड़ का खेती कर रहा हूँ, उससे पहले मैं परंपरागत करता था जिसमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। जैसे 3-4 सालों से मैंने इधर रुझान किया अपना व्यावसायिक खेती पे, व्यावसायिक खेती में मुझको रिजल्ट को ठीक ठाक मिला, ठीक हो रहा है। सरकार भी प्रयासरत है तो हम भी चाहते हैं कि नहीं, कुछ समझ में आया कि नहीं, कुछ है इसमें। और परंपरागत खेती में तो साहब लेबर की बहुत क्राइसिस है और नए ढंग से लेकिन करना पड़ेगा, पुरानी पद्धति से नहीं। टमाटर के साथ तो अभी लौकी लगा रखी है मैंने, जिसका लगता है अभी तो स्टार्ट है, क्योंकि अभी क्रॉप जब तैयार होगी तब समझ में आएगा। बाकी मल्च में लगा हुआ है मेरे टमाटर लौकी, देखने में फसल यही लगता है कि बहुत अच्छी आमदनी होगी, ऐसा नहीं है कि उसमें आमदनी नहीं होगी। और मल्च में बहुत फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमारा खरपतवार नहीं होगा, लेबर में पैसा बचता है, फर्टिलाइज़र उसमें कम इस्तेमाल करना पड़ता है। और मैं ज़्यादातर खेती में ध्यान दे रहा हूँ कि जैविक कर किया जाए। जैविक में जैसे गाय का गोबर, गाय का पेशाब या जैविक केमिकल्स न डाल के कीटनाशक के लिए मैं जैविक तैयार कर रहा हूँ, जिसमें तंबाकू का चूरा, धतूरा, गुड़ वो सब डाल के तैयार करता हूँ और 10 दिन बाद उसका फिर स्प्रे करता हूँ धीरे धीरे, उससे कीड़े नहीं आते। तो मेरी पैसे की लागत भी घटती, कम हो जाती है आमदनी, तो आमदनी बढ़ जाती है। टमाटर DD न्यूज़ पे चैनल पे देखा कि टंगा हुआ है, तो मैंने कहा टांग के भी कीजिए, जिस जहाँ से मेरा कॉन्टेक्ट है, मेरे जो सीनियर आते हैं उन्होंने कहा कि आप टांग के कीजिए। मल्च विधि से फसल करने से जहाँ हमें फसलों में खरपतवार की समस्या से निजात मिला है, साथ ही पैदावार भी बढ़ी है। निषाद हुसैन ने 4 एकड़ टमाटर शिमला मिर्च की सह फसली कृषि करके 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। निषाद हुसैन से प्रेरणा लेकर अन्य किसान भी सह फसली कृषि की ओर रुझान कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं करा दूंगा। तो मैंने टांग के कराया तो मुझको ऐसा लगा कि नहीं, टांग के में बहुत फ़ायदे हैं। उसमें टमाटर मेरा सड़ता बहुत है जब मैं ज़मीन पे लगाता था, इसमें मेरा टमाटर सड़ता नहीं। मुश्किल से जब हार्वेस्टिंग होती तो 50 कैरेट अगर टमाटर निकलता तो 10-1 आध किलो ही ख़राब निकलता है। और इसमें सुंडी नहीं लगती, उसकी वजह है कि इसमें चिड़िया बैठती है और सुंडी चिड़िया को खा जाती है, तो फिर उससे हमारा वो फ़ायदा होता है, उसका वो पैसा बच जाता है मेरा, जो सुंडी में मुझको दवा का वो पैसा बचा लेते हैं। और जो हमको सलाह दी तो उससे हमको फ़ायदा नज़र आया कि टमाटर टांग के करने में बहुत फ़ायदे हैं। ये मैं चाहूँगा साहब वो करें और जो भी हो सकेगा, और आज के दौर में तो बहुत हाईटेक है, हर किसी को जानने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास जो भी आए मैं जो हो सके बताऊँगा, और इसमें बहुत कुछ है, नए युवक को इससे जुड़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पलायन कर रहा है, वो शहर जा रहा है, शहर में तो बहुत कम पैसा मिल रहा है, बड़ी दिक्कतों का सामना है, ज़मीन घटती जा रही है, तो आपको इंटरक्रॉपिंग करनी ही पड़ेगी। थोड़ी ज़मीन में आप ज़्यादा क्रॉप लगा के कम लागत में करेंगे तो आपको आमदनी तो दूनी हो ही जाएगी ना। जैसे मैंने टमाटर के साथ शिमला लगाया है या टमाटर के साथ उसी फर्टिलाइज़र में तो शिमला और लौकी मेरी दोनों तैयार होगी ना, उसी में मेरा उसी इंसेक्ट जो डालूंगा तो दोनों में काम करेगा, तो मेरा पैसा भी तो बच रहा है ना, तो आमदनी तो मेरी बढ़ना ही बढ़ना है, डेट श्योर है, उसमें कोई रोक नहीं सकता, जरूरत है। छोटे अगर किसान इस पे तरफ रुझान अपना दे देगा, नौ युवक, तो देश विकास की ओर बढ़ जाएगा और सरकार को भी फायदे होंगे। सरकार अगर कह रही है तो सही कह रही है, कोई गलत नहीं कह रही। कुछ दिक्कतें हैं किसान के आगे सर, जैसे हमारे यहाँ हर ज़िले में सरकार को लैब करना चाहिए, लैब होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिक्कतें दोनों के सिम्टम्स कीड़े के और रोग के एक सा होते हैं, और आदमी को भी वो चाहिए जो पेड़ को चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको चाहिए अगर जिंक तो उसको भी जिंक चाहिए, उसको भी आयरन चाहिए, तो सिम्टम्स दोनों के कीड़े के और उसके एक हो जाते हैं, तो हम जान ही नहीं पाते। तो वो दुकानदार के पास जब मैं जाता हूँ तो कभी ये दवा देता है कभी, तो उससे कोई तो मेरा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। तो अगर लैब हो जाए तो मैं चाहूँगा किसान को उससे राहत मिल जाएगी बहुत। यहाँ कोई लैब नहीं है हमारे आसपास, तो बहुत दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है, मेरा पैसा उसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। अपना दिमाग कहाँ तक लगाएगा आदमी, कोई ऐसी मन पॉलिटी अभी ना, हर आदमी एग्रीकल्चर से डिप्लोमा या रिसर्च कर टेस्ट करके आया है कि वो सब जानता हो, क्योंकि किसान तो सीधा साधा भी है। नौ युवक भी एग्रीकल्चर की तरफ रुझान अब धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अगर उसको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आएगा वो।
तो किसान, मेरा नाम है सैयद निशात हुसैन। किस गांव के? मैं जलालपुर का निवासी हूँ। और मलवा, ये चार ब्लॉक का कंसंट्रेशन यहाँ किया गया था। और चारों ब्लॉक में आपको बता दूँ, एक खेत में किसान तीन तीन चार चार फसल ले रहा है। और ड्रिप का यूज करके, स्प्रिंकलर का, रेनगन का, मटर के मामले में ये अमौली, खजुआ और देवमई तीन ब्लॉक इतने धनी हैं कि जालौन के बाद जो है, अगर कोई प्लांट की स्थापना यहाँ हो जाती है मटर का संरक्षण करने के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। और ये किसान जो है स्प्रिंकलर का यूज करके, रेनगन का यूज करके जो मटर की खेती कर रहे हैं, तो उत्पादन इनका सवा गुना से डेढ़ गुना बढ़ रहा है लगातार। किसान, कोई नई चीज़ नहीं थी ये, तो किसान के पास जो अवशेष था कार्बनिक चीज़ों का, पहले उसका प्रयोग करता रहा, लेकिन बीच में रासायनिक खाद का अधिक उपयोग कर दिया और उसके पास जो जानवर थे उसको हटा दिया, अन्ना छोड़ दिया, इसके वजह से कार्बनिक चीज़ें नहीं मिल रही थी। अब किसान पुनः उस पर लौट रहा है, तो जैविक का भविष्य है। रोगों से बचना हो, चाहे आमदनी बढ़ाना हो, लागत को अपने कम करना हो, जैविक खेती का कोई विकल्प नहीं है। मैं आशा करता हूं कि जनपद फतेहपुर का किसान आगामी वर्षों में निरंतर प्रयास करके जैविक उत्पादन को बढ़ाएगा। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।